नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक शॉर्ट फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है 2081। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पृष्ठभूमि में एक वर्णन के साथ होती है कि वर्ष 2081 है और अंत में हर क्षेत्र में हर कोई समान है। लोग केवल कानून या भगवान से समान नहीं है, वे अब हर तरह से समान है। कोई भी किसी से ज्यादा चालाक, बेहतर दिखने वाला, तेज या मजबूत नहीं है। ये वर्णन जारी है कि राज्य के संविधान में किए गए 2112वें और 2113वें संशोधनों के कारण सभी समानताएं संभव हैं। ये केवल यूनाइटेड स्टेट्स हैंडीकैपर जनरल की अथक सतर्कता के कारण ही संभव था। मजबूत लोगों को कमजोर महसूस कराने के लिए अधिक वजन पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। बुद्धिमान ईयरपीस पहनते हैं जो अक्सर उनके मस्तिष्क का अनुचित लाभ लेने से दूर रखने के लिए रेडियो शोर करते हैं, और सुंदर लोग उन जगहों पर मास्क पहनते हैं जहां उनकी सुंदरता को विचलित पाया जा सकता है। इसे समता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तमाम समानता के बावजूद जीने के बारे में कुछ बातें अभी भी सही नहीं हैं। फिर हमें उस दृश्य पर वापस ले जाया जाता है जहां कुछ पुलिस अधिकारी एक घर के अंदर घुसकर एक लड़के को उसके बुजुर्ग माता पिता के सामने ले जाते हैं। वर्तमान में वापस लड़के के पिता जॉर्ज बर्जरॉन टीवी सिग्नल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईयरपीस भी पहने हुए हैं, इसलिए उन्हें अपने बेटे को सरकार द्वारा छीन लिए जाने के बारे में मुश्किल से याद है। जैसे ही वो अपने बेटे को घसीटे जाने के छोटे छोटे फ्लैशबैक से विचलित होता है, उसकी पत्नी हेजल उसे याद दिलाती है कि उसे टीवी ठीक करना है। फिर वो इसे शुरू करने के लिए टेलीविजन के पीछे एक ट्यूब जैसी डिवाइस डालता है। टेलीविजन सुंदर महिलाओं के एक समूह द्वारा किया जा रहा एक सुंदर बैले नृत्य दिखा रहा है। महिलाएं अपने गले और बाहों के चारों ओर कुछ वजन पहनकर नृत्य कर रही हैं। उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं ताकि वे किसी से बेहतर न दिखें। इस बीच जॉर्ज फिर से अतीत के बारे में कुछ फ्लैशबैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो घटना के बारे में और अधिक याद करने की कोशिश करता है, ईयरपीस का हस्तक्षेप उसे काट देता है। उसकी पत्नी भी विचलित करने वाले शोर को सुनने में सक्षम है और उससे पूछती है कि ये कैसा था, जिसके लिए जॉर्ज ने जवाब दिया कि ये जोर से था। वो उल्लेख करती है कि उसने किसी की दूध की बोतल को बॉलपीन हथौड़े से मारने की आवाज़ सुनी। वो ये भी कहती है कि हर दिन अलग अलग आवाजें सुनना अच्छा होना चाहिए। जॉर्ज जवाब देता है कि ये मनभावन नहीं है, क्योंकि ये उसे परेशान करता है। हेजल आगे कहती है कि अगर वो हैंडीकैपर जनरल होती, वो झंकार के शोर को जोड़ देगी जो सुनने में प्रसन्न होगा और धर्म का सम्मान भी करेगा। वो ये भी सोचती है कि वो एक अच्छा विकलांग जनरल बनाएगी, और जॉर्ज उसकी प्रवृत्ति से सहमत है। टेलीविजन पर हम आज भी खूबसूरत लड़कियों को बैले डांस करते हुए देख सकते हैं। कुछ समय बाद जॉर्ज को फिर से पुलिसकर्मियों के अपने बेटे हैरिसन को जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन पिछली बार की तरह ही ईयरपीस में आने वाले शोर से उनका ध्यान भंग होता है। ये देखकर हेजल को लगता है कि वो अभी थका हुआ है और सुझाव देती है कि वे तकिए पर हैंडीकैप लगाकर थोड़ा आराम कर सकता है। वो सोचता है कि वो हमेशा थका हुआ लगता है और किसी भी तरह से उसे हल्का महसूस कराना चाहता है। हालांकि जॉर्ज तुरंत उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और उससे कहता है कि यदि वो एक बार के लिए बाधाओं को दूर कर देता है, वो हर बार उन्हें दूर रखने का मन करेगा। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अगर वो बिना किसी बाधा के हैं तो उसे कैसा लगेगा। हेजल जवाब देती है कि वो इससे नफरत करेगी, और वो जवाब देता है कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी भी प्रकार की विकलांगता को हटाना कानूनन अपराध है, इसलिए सभी को घर पर भी नियमों का पालन करना होगा। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज पेश करने के लिए टेलीविजन पर बैले डांस कार्यक्रम बाधित है। वही पुरानी खबर पेश करने में रुकावट आने पर हेजल पागल हो जाती है। जैसे ही समाचार संवाददाता ब्रेकिंग न्यूज पेश करने की कोशिश करता है, वो लगातार हकलाता है, जिसके कारण प्रसारण कुछ देर के लिए रुक जाता है। व्यर्थ प्रयास के बावजूद हेजल को लगता है कि समाचार रिपोर्टर ने समाचार प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की, और उनके प्रयासों को देखकर उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सभी नागरिकों को समान कार्य करने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। घर के अंदर भी वे समानता के लक्षण दिखाते हैं। इसके बाद हेजल सोफे से उठती है और किचन में जाकर बर्तन साफ करती है। जब वो बर्तन साफ कर रही होती है, एक नए समाचार रिपोर्टर के साथ समाचार फिर से शुरू होता है। उनका कहना है कि उन्हें हैंडीकैपर जनरल की ओर से चेतावनी मिली है कि एक संदिग्ध अराजकतावादी हैरिसन बर्जरॉन पुलिस हिरासत से भाग गया है। वो प्रस्तुत करता है कि हैरिसन को 6 साल पहले प्रचारक बर्बरता, प्रसारण चोरी, अपने त्रैमासिक विकलांगता मूल्यांकन की रिपोर्ट करने से इनकार करने और सार्वजनिक स्थान पर अपनी बाधाओं को हटाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि बर्जरॉन कड़ी सुरक्षा में था, वो चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। रिपोर्टर जनता को उसके बारे में जागरूक होने की सलाह देता है, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली और एक एथलीट है जो विकलांग और बेहद खतरनाक है। जब जॉर्ज समाचार को ध्यान से सुन रहा होता है, तो नल से पानी बहने के कारण हेजल उसे सुन नहीं पाती है। रिपोर्टर तब अपनी रिपोर्ट को समाप्त करता है, जिसमें जनता से स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है, यदि वे हैरिसन को पास में देखते हैं। खबर खत्म होने के बाद बैले डांस का कार्यक्रम जारी है। अचानक बैले गर्ल्स को कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सब लोग टेलीविजन के माध्यम से भी सुनते हैं।
जॉर्ज जल्दी से अपने बेटे हैरिसन की आवाज को पहचान लेता है और अपना नाम बताता है। हैरिसन अपने पूरे शरीर को जंजीरों से जकड़े हुए दिखाई देता है। एक सुरक्षा गार्ड को मंच पर घसीटता है। मंच पर पहुंचने के बाद वो वहां मौजूद सभी लोगों से चुप रहने और उसकी बात सुनने का आग्रह करने लगता है। वो उस सुरक्षा गार्ड को छोड़ देता है जिसे वो पकड़ रहा था और सभी को बताता है कि इमारत के नीचे एक बम है जिसका डेटोनेटर उसके हाथ में है। दूसरे सुरक्षा गार्ड पीछे से उसके पास आते दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो डेटोनेटर निकालता है वे मंच से भाग जाते हैं। हैरिसन तब दृढ़ता से सभी को अपनी सीटों पर बने रहने का सुझाव देता है। किचन में हेजल अभी भी बर्तन धो रही हैं और टेलीविजन पर होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अनजान हैं। थिएटर में हैरिसन ने जमीन पर जोर से अपना पैर थपथपाया और वहां मौजूद सभी लोगों से उनके मनोरंजन में बाधा डालने के लिए माफी मांगी। वो आगे कहते हैं कि उम्मीद है कि वो खुद से किसी प्रकार का मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। फिर वो अपना परिचय देता है और उल्लेख करता है कि वो एक भगोड़ा है, एक सार्वजनिक खतरा है और सक्षमों से घृणा करता है। उन्होंने खुद को सबसे महान व्यक्ति के रूप में भी उल्लेख किया है जिसे कोई भी कभी नहीं जानता है। हैरिसन ने आगे खुलासा किया कि उन्हें राज्य द्वारा पिछले 6 वर्षों से बिना किसी मुकदमे के और यातना के साथ बंदी बनाया गया है जिसका कोई अंत नहीं है। वो बताते हैं कि राज्य ने उनके अंदर पड़े असाधारण के हर निशान को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। वो कहता है कि वो उनके सामने खड़ा है, पीटा जा रहा है, घबराया जा रहा है और बीमार किया जा रहा है, लेकिन टूटा नहीं है। हैरिसन तब कहते हैं कि उन्हें अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन को नष्ट करना होगा। वो सभी को अपनी रोशनी चमकाने का सुझाव देता है ताकि पूरी दुनिया उन्हें नोटिस कर सके। अपना भाषण समाप्त करने के बाद वो अपनी बाधाओं को चीरता है और उन्हें फर्श पर फेंक देता है। थिएटर में दर्शक इससे चकित हैं क्योंकि उन्हें सरकार ने अंधा कर दिया है। घर में जॉर्ज अपने बेटे को टेलीविजन पर ये सब करते देख हैरान रह जाता है। इस बीच हेजल अभी भी बर्तन धोने में व्यस्त हैं। अगले दृश्य में जैसे ही एक व्यक्ति थिएटर से भागता है, वो विकलांग जनरल के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की एक बटालियन से मिलता है। हेड ऑफिसर बम डिस्पोजल टीम से बम की स्थिति के बारे में पूछता है, जिस पर वे जवाब देते हैं कि इसे काम करने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता होगी। हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर पुलिस बलों के विभिन्न समूहों को रखा गया है। थिएटर के अंदर हैरिसन एक स्वयंसेवक को अपनी अगली चाल दिखाने के लिए कहता है। जब दर्शकों में से कोई भी उनके स्वयंसेवक को स्वीकार नहीं करता है तो वो अपना सिर बैले नर्तकियों के समूह की ओर कर देता है। बैले नर्तकियों में से एक अनिच्छा से स्वीकार करती है और अपनी बाधाओं को दूर करना शुरू कर देती है। जब वो हैरिसन के पास जाती है तो वो उसका मुखौटा हटा देता है और उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। फिर वो संगीतकारों से कुछ संगीत बजाने के लिए कहता है। बाहर पुलिस बल थिएटर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तभी पुलिस बल के समूही बम विशेषज्ञ मुख्य अधिकारी को सूचित करते हैं कि बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है। मुख्य अधिकारी तब लाइव प्रसारण को रोकने के लिए टेलीविजन प्रसारक से संपर्क करता है। थिएटर के अंदर हैरिसन लाइव संगीतकारों द्वारा बजाए गए संगीत को सुन रहा है, लेकिन वो अचानक उन्हें रुकने के लिए कहता है। फिर वो इनमें से किसी एक को आदेश देता है, सेलिस्ट उसके लिए वायलिन बजाएं। सेलिस्ट डर के मारे बाध्य हो जाता है और शान से वायलिन बजाना शुरू कर देता है। संगीत दर्शकों में मौजूद सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। घर में जॉर्ज भी बज रहे संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि उसकी खुशी दुहक में बदल जाती है क्योंकि प्रसारण अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाता है। प्रधान अधिकारी को प्रसारण इकाई से एक संदेश भी प्राप्त होता है कि लाइव प्रसारण रोक दिया गया है। फिर वो अपनी सभी इकाइयों को थिएटर में प्रवेश के लिए खड़े होने का आदेश देता है। अंदर हैरिसन अपने हाथों में डेटोनेटर पकड़े हुए बैलेरिना के साथ नृत्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है कि सैनिक प्रवेश करने वाले हैं, वो डेटोनेटर दबाता है जो भूमिगत प्रणालियों में से एक को सक्रिय करता है। हालांकि ये कुछ भी नहीं उड़ाता है, ये एक बार फिर से बाधित टीवी प्रसारण को फिर से शुरू करता है। अपने बेटे को फिर से टीवी पर देखकर जॉर्ज के चेहरे पर चमक आ जाती है। इस बीच हैरिसन और बैलेरिना नृत्य करना जारी रखते हैं जबकि पुलिस बल और विकलांग जनरल थिएटर में प्रवेश करते हैं। वो मुख्य अधिकारी की बंदूक लेती है और हैरिसन की ओर बढ़ती है। तभी प्रधान अधिकारी को अपने ईयरपीस के माध्यम से पता चलता है कि घटना का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। वो जल्दी से हैंडीकैपर जनरल को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैरिसन को महिला ने गोली मार दी है और वो मंच पर सपाट पड़ा है। प्रधान अधिकारी मंच पर पहुंचता है और अंत में जनरल को पता चलता है कि वो ऑन एयर है। टेलीविजन प्रसारण भी समाप्त हो जाता है और हेजल अंत में अपने बर्तन धोना समाप्त कर देती है। जॉर्ज ने जो देखा उससे व्याकुल है, लेकिन जब वो इसके बारे में अधिक सोचने की कोशिश करता है तो वो अपने ईयरपीस से तेज आवृत्ति से बाधित होता है। जब हेजल पूछती है कि क्या गलत है तो वो बस जवाब देता है कि उसे याद नहीं है, लेकिन उसने टेलीविजन पर कुछ उदास देखा। हेजल तब सुझाव देती है कि वो हमेशा की तरह दुखद चीजें भूल जाता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब भ्रमित जॉर्ज रेफ्रिजरेटर से कुछ पेय लेने के लिए उठता है जबकि हेजल बैले नृत्य का संगीत गुनगुनाती है। ये फिल्म उस भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है जहां समानता हावी हो गई है, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता न के बराबर हो गई है। स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को हैरिसन की तरह ही पकड़ा और दंडित किया जाता है।
डरावनी बात यह है कि जिस तरह से हमारा समाज प्रगति कर रहा है, ये साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म बहुत दूर के भविष्य में वास्तविक साबित हो सकती है। अन्य योग्य उम्मीदवारों से मेल खाने की क्षमता की कमी के बावजूद लोग समानता की मांग कर रहे हैं। समय आ सकता है जब बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। दुनिया जहां सब कुछ बराबर है लेकिन आजादी नहीं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।